पोल आ गए हैं, कार्बन फाइबर के भी आ गए हैं। देयर ही गोस। Did he clear that? Waiting for the bar to fall down. It did not. That's a clear clearance. Under 17 gold medal winner pole vault mein Rakesh Gond Maharashtra ke. ये फाइनल राउंड अभी शुरू होने वाला है। ये हमारे पास टॉप 8 एथलीट आए हैं। 16 से हम शुरुआत करते हैं, उनको तीन तीन थ्रो मिलते हैं और उसके बाद जो टॉप 8 एथलीट होते हैं वो फाइनल राउंड में जाते हैं, वहां तीन थ्रो और मिलते हैं और वहां ये डिस्टेंस मायने नहीं रखेगा, आपको फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। तीन पास होते हैं सामने थ्रो के। ये देखिए येलो कलर का बॉल जो देख सकते हैं आप सामने, वो है मेटल का बना होता है और ये टर्न्स एंगल ऑफ रिलीज सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीन पैरामीटर्स पर आप एक हैमर थ्रो का अटेम्प्ट ले सकते हैं, पहला एंगल ऑफ रिलीज, उसके बाद हाइट ऑफ रिलीज और दूसरा स्पीड ऑफ रिलीज। ट्रिपल फाइव आर्नव यादव जो कि टॉप चल रहे थे फाइनल राउंड शुरू होने से पहले। ओ अनलकी रेड फ्लैग, विंग्स से बाहर अगर आपका हैमर लैंड करता है तो वो अटेम्प्ट वैलिड नहीं है, बट उसके बावजूद सूर्य की रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता। आप कंबल ओढ़कर बैठ जाएं तो अलग बात है, लेकिन जो पहला अटेम्प्ट था 59.50 वो ही उनके लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए काफी है। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्नव, कॉन्ग्रेचुलेशंस उत्तर प्रदेश इस गोल्ड मेडल के लिए। पिछले दोनों इनके अटेम्प्ट इनवैलिड थे लेकिन एक ही अटेम्प्ट ने वो काम कर दिया नीति, बाकी दूसरी और तीसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अर्नव यादव 64.09 मीटर्स के साथ गोल्ड, यूपी को ही मिला सिल्वर अफसर अहमद के जरिए, और दिल्ली के पारस देशवाल 58.14 मीटर के साथ जीते ब्रॉन्ज। पंजाब के अमृतपाल सिंह थोड़ा अनलकी रहे, चौथी पोजीशन पर थे। लेन टू दिल्ली, लेन थ्री कर्नाटका, लेन फोर पंजाब, लेन फाइव महाराष्ट्र, लेन सिक्स केरला और लेन सेवन तमिलनाडु। Oh, they started this one. Lane 1 Uttarakhand, lane 3 Karnataka, lane 5 Maharashtra. Kiran is gaining some strike and Harish from Tamil Nadu is doing so too. Look at that. Now we've come down to the last 200 meters of 4 into 400 meter relay. Oh, somebody's gaining some momentum there. Is it the lad from Maharashtra? आकाश वर्गीस, मुझे लगता है अब थोड़ी थकान उन पर हावी हो रही है, अब उनको ओवरटेक करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आकाश वर्गीस गोल्ड मेडल से वंचित रहेंगे ऐसा लग रहा है। ओ आकाश वर्गीस ने शायद हमारी बात सुनी, वो अपनी लीड गंवाना नहीं चाहते और यहां बिल्कुल अंतिम कुछ मीटर है और फोटो फिनिश की तरफ ऊपर चले हैं। क्या आकाश वर्गीस, क्या केरला गोल्ड मेडल जीते हैं। रिजल्ट का इंतजार रहेगा, पहली फोटो फिनिश है। क्या केरला को गोल्ड मेडल मिला? बिल्कुल मिला है। तमिलनाडु, क्या उनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा? हम तैयार हैं 4 इंटू 400 मीटर रिले गर्ल्स के फाइनल के लिए और ये हैं लेन वाइज टीम्स। लेन वन में कर्नाटका, टू में पंजाब, फिर केरला, दिल्ली, पांच में तमिलनाडु, छह में राजस्थान, सात में गुजरात और आठ में बहुत मजबूत महाराष्ट्र, जिसमें ताई बामने आखिरी 400 मीटर दौड़ेंगी। पहले इनफैक्ट तीन लैप्स में उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा जितना आखिरी 400 मीटर में होगा। जी बिल्कुल, और एक बार फिर बता दें कर्नाटका राइट देयर ऑन योर स्क्रीन लेन। नजरें रखिएगा आखिरी बेटन एक्सचेंज पर, कहां है ताई बामने, कहां है नवदीप कौर, रंजीता, ऑफ कोर्स चंदनी जो केरला के लिए आखिरी लैप दौड़ने वाली है, रितिका फॉर राजस्थान, लेकिन ताई बामने पर सबकी नजरें होंगी। महाराष्ट्र कब बेटन एक्सचेंज करेगा पैदी, ये मौका है आखिरी बेटन एक्सचेंज का। जी हां, और ये लेकर भागती हुई केरला इन द लीड। Where is ताई बामने? ताई बामने अब तक मुझे पिक्चर में भी नजर नहीं आ रही हैं। केरला नंबर वन है, नंबर टू थ्री फोर बहुत पीछे, चार एथलीट तो हमारे फ्रेम में भी नहीं है। बेटन एक्सचेंज बहुत ज्यादा देरी से हो रहा है और यहां से अब एक तस्वीर हमारे सामने उभर कर आ रही है। एक एथलीट आगे, गोल्ड के लिए मुकाबला थोड़ा सा इजी है लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए कड़ी टक्कर होने वाली है। फाइनल 200
100 meters padding. Diya Naveed Kaur hongi, Chandini hongi, Payal hongi, Ritika hongi, kaun hongi. Doug lambe hote hue, it has come down to the final 120 meters. Ab asli race shuru hone wali hai. Ab parata shuru hone wala hai. Kya Taib Amne picture mein hai? Deshi contender number 4. Ab gold medal ke liye kadi takkar, kya hum ek photo finish ki taraf badh rahe hain? There is the overtake aur jahan hua ek ulat phir aur isi ke saath hi clear cut winners hame mile hain. Koi duvidha nahi honi chahiye officials ke man mein. Tamil Nadu 4x400 meter girls relay race ke vijeta bilkul aakhri kuch meters mein paddy overtake hua wahi se tasveer badli bilkul badli lag raha tha kerala le jayenge gold ko ant mein unhe silver ke sath santusht hona padega hamari nazare kabaddi par hain uttar pradesh banam delhi 1 versus 7 hamesha muqabla hota hai oh nazar unki toe touch fantastic lobbies ka istemal bhi skill dikha di pehli red point ke sath 1 point delhi पहली रेड में दिल्ली ने अपना खाता खोल लिया है क्या ये कारनामा करने में कामयाब होंगे सागर पंवर सागर में अगर मोती चाहिए तो डीप जाना पड़ेगा कितने पॉइंट एक ही पॉइंट और स्कोर हो गया है 40-40 और अब ये मैच टाई पर खत्म हुआ है ना आप जीते ना हम हारे लुक एट दैट टोटल नंबर ऑफ रेड पॉइंट्स सिमिलर 29 जस्ट वन More red point for Delhi. Two more tackle points for Delhi. Haryana ki Neelam blue singlet mein hai aur Gujarat ki Bhavika Patel red singlet mein hai. Bhavika red versus Neelam. Neelam blue mein Haryana se. Two minute ke two round hote hain. Gold medal mukabla girls 14 kilogram style ka. Isme aap एक रेकोरोमन ये फ्रीस्टाइल है तो यहाँ पर आप टांगों पर भी अटैक कर सकते हैं और क्या वहाँ टेकडाउन के पॉइंट मिले करने की कोशिश भैया अभी दोनों में से किसी को पॉइंट नहीं मिला है बहुत अच्छा डबल लेग डबल एंकल अटैक करने की ट्राई थी लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस सामने से देखने को मिला पैडी रेसलिंग में जितना महत्वपूर्ण और यहाँ टेकडाउन की सिचुएशन है यहाँ पिनफॉल की भी सिचुएशन हो सकती है नीलम हरियाणा की उनके पास मौका है लेकिन उतना अच्छा एंकल होल्ड किया हुआ है भाविका ने उनका उनको मूव लगाने का पॉइंट्स का मूव लगाने का भाविका ने मौका नहीं दिया वेल डन भाविका फिर भी खाता खुल गया नीलम का दो अंक नीलम के हो गए हैं और दो अंक अगर वो प्रिजर्व कर पाएं तो मुकाबला जीत भी जाएंगे जद्दो जहद जारी कई दफा होता यह है एक खिलाड़ी लगातार पूरे मैच में 10 सेकंड तक लीड कर रहा होता है और आखिरी 10 सेकंड में चित कर दिया जाता है पासअप रट जाता है चार पॉइंट के लिए बिल्कुल दो दो बार उन्होंने टेक डाउन किया यहाँ ब्रिज की पोजिशन भाविका ने बड़ी खूबसूरती से बनाई है और यहाँ अब क्या भारंदाज करेंगी जी नहीं फाइनली ये वार्निंग मिली है दोनों रेसलर्स को अंपायर को अगर लगे कि रूल तोड़े जा रहे हैं या इलीगल ग्रिप बनाई जा रही है तो वो कॉशन देते हैं और कॉशन का एक पॉइंट मिलता है क्या यहां भाविका के पास मौका था उनके पास टेक डाउन करने का अभी नीलम के पास एडवांटेज है अगर उन्होंने टेक डाउन कर दिया तो ये मैच खत्म हो जाएगा और इसी के साथ ही 10-0 टेक्निकल सुपीरियोरिटी से हरियाणा की नीलम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है जी हाँ 10 का फासला होते ही मुकाबला वहीं रुक जाता है दिस इज नॉट जस्ट अ विन दिस इज एन एम्फेटिक विन दिस इज अ थ्रिलिंग विन वेल डन नीलम हरियाणा की ब्लू में कॉन्फर्मेशन आती हुई भाविका गुजरात की देशी विन्स अनदर गोल्ड गोल्ड फॉर हरियाणा यर अगेन ये है बॉय 63 केजी फ्री स्टाइल का फाइनल हरियाणा के आकाश के सामने है आशीष दिल्ली के 8-2 से आगे आकाश बिल्कुल टेक डाउन किया था अब आशीष के लिए वापसी बड़ी मुश्किल हो गई है पॉइंट्स के आधार पर आशीष नहीं जीत सकते क्योंकि टाइम नहीं है या तो फटाफट गट रेंच करें या फिर एंकल लेस करके उसके बाद फ्लिप करें उसका टाइम नहीं सिर्फ और सिर्फ पिन फॉल एक ऑप्शन है उसके लिए भी टाइम खत्म हो चुका है और इसी के साथ हरियाणा के आकाश ने अपने स्टेट के लिए एक और गोल्ड मेडल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में अपने और अपने स्टेट के नाम कर लिया है मुबारक हो हरियाणा को डोमिनेट कर रहे हैं रेसलिंग का मैट और केडी जाधव स्टेडियम से लाइव कवरेज आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स पर खेलो इंडिया का टैलेंट आपकी नजरों पर किसी से छिपा नहीं आप तक पहुंचा है स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से यही हमारा लक्ष्य है यही हमारा ध्येय है यही हमारा कहना है अगर आप में हुनर है तो वो अब छिपेगा नहीं सारी दुनिया उसको देखेगी फाइनल रिजल्ट बॉय 63 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग का हरियाणा के आकाश ने दिल्ली के आशीष को 8-2 से हराया है